और दोस्तों क्या हाल है, ये है गेमिंग इन फार साइड और फिर आज अपन देख रहे हैं फिर से नीड फॉर स्पीड दरन। तो फिर पिछले वाले वीडियो में अपन ने इसके जो मेन है इसका जो कैंपेन दरन, तो उसका एक रेस देखी थी। तो फिर आज अपन देखेंगे इसकी चैलेंज सीरीज, जो मतलब बहुत ही अच्छी है और फिर इसमें मतलब बहुत सारा है देखने को। तो मतलब ऐसा है कि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नीड फॉर स्पीड दरन में बहुत सारे लेवल्स हैं, स्टेजेस हैं, तो फिर उन्हीं स्टेजेस का इस्तेमाल करके उन्होंने अलग अलग इवेंट्स बनाए हैं, अलग अलग थीम्स लेके, और कुछ तो मतलब उनके वही स्टेजेस के हैं मगर कुछ उन्होंने अलग से बनाए हैं। जैसे कि ये KNN चैलेंज, KNN ने ज़रूर इनको स्पॉन्सर किया होगा, तो उसका है। वैसे ही नीड फॉर स्पीड अंडरग्राउंड के है, कुछ नीड फॉर स्पीड मोस्ट वॉन्टेड के है, जो शायद नीड फॉर स्पीड का सबसे हाईली रेटेड गेम है। फिर नीड फॉर स्पीड कार्बन, ओल्ड स्पाइस, इन्होंने भी इनको स्पॉन्सर किया होगा, EEM स्पॉन्सर एक और बार। और फिर ये है लिमिटेड एडिशन इवेंट्स। तो फिर इस वाले वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट वॉन्टेड जो है सबसे बढ़िया गेम, तो उसके कुछ इवेंट्स अपन देखेंगे ये वाले वीडियो में। तो फिर एक ये वाला इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें सारे के सारे टाइम चैलेंज ही है और एक रेजर वाला रेस। अगले एपिसोड में हम ये वाला देखेंगे, मगर इसमें अपन देखेंगे अनस्टॉपेबल फोर्स और फिर इसमें बीट द क्लॉक करना है। मैंने ये वाला बहुत समय से खेला नहीं इवेंट, मगर एक कार तो बिल्कुल तो सेम नहीं है, वो मतलब ये वाली कार अलग है जो 2003 वाले में थी, वो वाला शायद E6 E8 वगैरह ऐसा कुछ था। मेरे को कारों के बारे में ज़्यादा मालूम है नहीं, मगर कार अलग अलग है। तो फिर इसमें अभी मुझे है ब्रॉन्ज और फिर मैंने ये पता नहीं कब खेला होगा, पिछले बार भी सेम ही कार और इसमें कार का ऑप्शन भी एक ही है और 2:40 में अगर करते हैं तो फिर बेस्ट टाइम मिलेगा और अच्छा है। और फिर यार मेरे को ना मतलब ग्राफिक्स सच में तरन के बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे कितना भी है पर पुराना गेम। और क्योंकि शायद इसलिए रीज़न ये भी है कि मेरे बचपन का है गेम, तो फिर इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है। तो ये है पुलिस और फिर मोस्ट वांटेड में जैसे कि हमें याद है कि बहुत बड़ा पार्ट उसका पुलिस चेंजेस था, तो फिर हरी अब अभी से ही आ गए और पहुँच तो पाएंगे ज़रूर, पहुँच जाएंगे आराम से, पर वो कैचअप कर रहे हैं धीरे धीरे। यार मेरे को यार ऐसे ओपन कंट्री रोड वगैरह इन सब में ऐसे रेस होती है ना तो बहुत सही रहता है। अरे बाप रे क्या हुआ पीछे, वो अपने में ठुक के वो गिर गया और 16 बचे हैं, पास में ही है टाइम कवर अप कर लिया। इस बार कम से कम 10 तो उससे दूसरा ज़्यादा टाइम बचेगा। तो फिर यार तुम ये देख सकते हो कि ये बिल्कुल सेम वाला ट्रैक हमने पिछले रेस में भी किया था, और फिर नहीं मतलब जो फर्स्ट विंडी जो बनाया था वो इसी वाले से बनाया था। तो फिर कार की हालत तो ख़राब कैसे हो गई, पीछे से कार टूटी है, ठीक है जो भी है। तो यही वाली इसी वाली ट्रैक पे हमने पहले भी की है रेस और सही है। मतलब मैं ये बिल्कुल मानता हूँ कि इससे भी अच्छे अच्छे हैं कार वाले रेसिंग गेम, और ये नीड फॉर स्पीड भी मानता है कि इससे भी बढ़िया अच्छे वाले उन्होंने खुद ही गेम बनाए हैं। तो देखा वो अपने सामने रुकना चाह रहा था एकदम से, पर अपने भाप लिया। हाँ मैं मानता हूँ कि इससे भी अच्छे है गेम, मगर अब ये मेरी है चॉइस। और थोड़ा सा है दूर, 22 है, पहुँच जाएंगे आराम से, देखते हैं कितना टाइम बचता है। हर बार कॉन्सिक्यूटिवली हम ज़्यादा टाइम बचा रहे हैं। शिट, अरे यार आखिर पुलिस वाला जीत गया। राइट, 4 और मिलेंगे, चैलेंज सीरीज में 5 ही मिलते हैं, मगर शायद जो कैंपेन है उसमें ज़्यादा मिलते हैं। पर मुझे रीसेट्स पसंद है, पता है क्यों? क्योंकि कार के हाल अच्छे हो जाते हैं, पीछे से ख़राब हाल में कार को देखना पसंद है, अजीब से लगता है मुझे। अच्छा 22 सेकेंड में कर लिया, बढ़िया, ठीक है, इतनी कुछ ख़राब नहीं हुई। और 2:40 का टाइमर आ रहा है, 0.9 किलोमीटर बचे हैं, मतलब लगता है गोल्ड तो मिल ही जानी चाहिए। 2:45 यार ये जो है, और 3 पे मिल जाएगा सिल्वर, ठीक है पहले से तो बढ़िया ही है। और अच्छा कर सकते थे अगर वो उस समय अगर ठुकते नहीं तो फिर इससे भी अच्छा हो जाता टाइम,
पर ठीक है, ये है नीड फॉर स्पीड द रन, और फिर मैं इसके लगातार बहुत सारे वीडियो बना रहा हूँ, और मुझे ये गेम बहुत पसंद है, मेरा बचपन का है गेम। तो फिर अगर तुम लोग को भी गेम पसंद है तो फिर तुमको ज़रूर खेलना चाहिए। और फिर इसी तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, सी यू।